टेम्परेचर भी ज़्यादा है और आपने यहाँ आकर हरियाणा भवन का टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है। ये आपके लिए मुबारकबाद की तंगी है और इसके साथ आपकी जो डिमांड है APCR उसको सपोर्ट करती है। और APCR का काम यह है कि इस तरह की कोई भी चीज़ हो, जहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा हो, जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, लोगों के हकूक छीने जा रहे हो, हमारा एक काम है कि हम उसमें आकर लोगों को ये बताएं कि उनका यह हक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उनको जो राइट्स उनको दिए हैं वो उन तक पहुँचने चाहिए। ऐसा ही हो फिलिया इस मांग को लेकर यहाँ आई है कि मेवात जो एक पिछड़ा इलाका है, बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो जगह दिल्ली की नाक के नीचे है, दिल्ली एक बड़ी राजधानी है और दिल्ली की नाक के नीचे ये ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ 90% औरतें अशिक्षित हैं, जहाँ लड़कियाँ अशिक्षित हैं, जहाँ के नौजवान अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं वो आप समझ सकते हैं। मैं कई बार मेवात गया हूँ, मैंने जाकर वहाँ ये हालत देखी है कि जैसे ही हम क्रॉस करते हैं गुड़गांव का इलाका या सोनीपत का इलाका, तो उसके बाद वो सड़कें भी ख़त्म हो जाती हैं, गड्ढे शुरू हो जाते हैं, पानी भरा होता है, सीवर नहीं होता है, स्कूल अगर नज़र आ या तो नज़र नहीं आता है, या अगर नज़र आता है तो वो ऐसा होता है कि उसको देखकर वो इमारत खुद रोती हुई दिखाई देती है। उसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं होता, उसमें बैठने की जगह भी नहीं होती, उसमें पानी भी नहीं होता, उसमें टॉयलेट भी नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे समाज में आप लोग रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, 70 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और इस आज़ादी के बाद दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा समाज हमारे साथ रह रहा है, हिंदुस्तान के साथ रह रहा है कि जिसको ये सब सुविधाएँ नहीं मिली हैं, और ये सब सुविधाएँ मिलना उसका हक है। मैं दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि सरकार आप हैं, आप चलाते हैं इस देश को, आप चलाते हैं इस हरियाणा की सरकार को, जनता से सरकार चलती है, सरकार से जनता नहीं चलती है। आप एक बच्चा पैदा होता है, वो जब भी दवाई खरीदी जाती है उसके लिए वो टैक्स देता है, जब भी पैसे देता है सरकार को, मरते मरते भी आदमी दवाई लेके आता है वो पैसे देता है, हर काम के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और उस पैसे पर आपका टैक्स जाता है और उस टैक्स से सरकार चलती है। तो पैसे देने वाले आप हैं, जो देने वाला होता है वही चलाता है, वही सवाल कर सकता है। ये डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में आपको सवाल करने का हक है और अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो ये आपकी चूक है। आप शिक्षा से आपको दूर रखा गया, इसीलिए दूर रखा गया कि आप सवाल ना कर सकें। यूनिवर्सिटी लेना, स्कूल्स लेना, राइट टू एजुकेशन में ये आपका राइट है कि हर 3 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए स्कूल होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, ग्रेजुएट्स के लिए इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होने चाहिए और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आज इतनी बड़ी आबादी होने के बाद आज भी हमें अगर स्कूल के लिए, इतना बड़ा देश होने के बाद स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर दौड़ना पड़ रहा है, मांग लानी पड़ रही है, हरियाणा भवन के आगे धरना देना पड़ रहा है और सरकार को ये बताना पड़ रहा है कि हम अशिक्षित हैं, तो ये धूम मरने की बात है सरकार के लिए। सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हम यही एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, सरकार की आँख खुले, सरकार मेवात के लिए जो स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, जो पॉलिसी बनी है उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसी BCO पॉलिसियाँ बनी हैं मेवात के लिए, लेकिन वो सब रद्दी के टोकरे में गई हैं, वो सब कागजों का ढेर बन गई हैं। इसी तरह से आपकी जो डिमांड रही है, यूनिवर्सिटी की डिमांड रही है या कॉलेज की डिमांड रही है, उस पर इसीलिए सुनवाई नहीं होती है कि आपकी यहाँ शिक्षा है और आप अपने अधिकारों को सही जगह तक नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, मैं आपको इस लड़ाई के लिए मुबारकबाद देता हूं और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि इस लड़ाई में हम आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़े रहेंगे। यहां भी जिस वक्त भी ज़रूरत होगी हम हरियाणा भवन पर बार बार आएंगे, हम यहीं धरना देंगे और यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे। हमारी एक बार फिर हरियाणा सरकार से डिमांड है कि वो SIO की और मेवात के लोगों की इस डिमांड को सीरियस होकर अपने भाइयों को, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए आप SIO के कहने पर यहाँ एग्जिट हुए हो। हमसे पहले हम यहाँ 2016 में भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन हमारी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। वो नहीं चाहती है कि मेवात का बच्चा शिक्षित हो, वो नहीं चाहती है कि मेवात का बच्चा आगे बढ़े और ऊंची-ऊंची पोस्टों पर जाए, क्योंकि आप देखते हैं मेवात में मेवात शिक्षा के स्तर पर हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है और ये सरकार इस चीज़ पर खुशी महसूस करती है कि मुसलमानों के इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है। मेवात में स्कूल तो हैं,
स्कूल हैं बहुत तादाद स्कूलों की, लेकिन उनकी मिसाल उसे उस बस जैसी है जिसमें बस के ड्राइवर को बिठा दिया गया हो लेकिन चंद मीटर आगे उसको उतार दिया गया हो, उसके बाद में आप देखते हैं कि बस का कितना लोगों को नुकसान कर आते हैं और ये तमाम समस्याओं को आप नहीं देखते हैं। तो ये मांग और ये सवाल हम सत्ता से करना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर से करवाना चाहते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ी मांग है कि मेवात में एक यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पे जितने भी प्राइमरी स्कूल हो वो तमाम सेंट्रल स्कूल के हद तक, मॉडर्न स्कूल के हद तक उसको बनाने की कोशिश करना है। आरटीए एक्ट सिर्फ कागजों में लिखने के लिए नहीं है, आरटीए एक्ट सिर्फ कागजों में लिखने के लिए नहीं है। आरटीए एक्ट के तहत जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में जो सहूलतें होना चाहिए वो तमाम सहूलतें स्कूल में होना चाहिए, ये मांग के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आज हरियाणा भवन आए हैं। और मैं आप तमाम हरियाणा के जो छात्रों को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ आपके जज्बा को, शुक्रिया। आराम से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मेवात में शिक्षा की मांग, मेवात में शिक्षा की मांग, गांव गांव शहर शहर, गांव गांव शहर शहर, मेवात शिक्षा आंदोलन जिंदाबाद, मेवात शिक्षा आंदोलन जिंदाबाद। मैं अपने अगले स्पीकर को बुलाऊं, इससे पहले दरख्वास्त करूंगा आप लोग थोड़ा और पीछे हो जाएं, वहां पर जगह बाकी है, और इस माइक को आगे रखें, बाकी लोग इधर राउंड बनाकर सुनने के लिए आ सकते हैं। और पीछे चलिए, वहां पीछे खड़ा, वहां से लोग बैठ जाइए, पीछे से पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, और पीछे चलिए चलिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 और पीछे वहां बैरिकेड के आ चल जाइए। हम इस वक्त हरियाणा भवन के बाहर खड़े हैं और आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से एसआईओ के बैनर पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट क्यों आए हैं ये भी देख लीजिए, अंधकार को दूर करो अच्छा से अंधकार को। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ग्रांड सेल्यूटेशन सलामी पेश करना चाहता हूं कि आज अपने इलाके में शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के लिए आज यहां हरियाणा में जमा हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं मेवात हरियाणा राज्य का एक बहुत ही डेंसिटी वाला, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला एक इलाका है, लेकिन जैसा कि हमको मालूम है आज़ादी के 70 साल गुजरने के बावजूद भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे उनका वो जुमला याद होगा, जब उनसे ये पूछा गया कि भारत का मुस्तकबिल, भारत का भविष्य कहाँ तय होगा, तो उन्होंने कहा था कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन विल बी बिल्ड अप इन द क्लासरूम्स ऑफ द नेशन, कि हमारे देश का मुस्तकबिल, यहाँ की किस्मत, यहाँ का भाग्य जो है वो चार दीवारी में लिखा जाएगा, क्लास की और कक्षा की चार दीवारी में लिखा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है, रोना है इस बात का, और यह हमारा डिलेमा है, हमारा बहरान है कि आज तक 70 साल के बावजूद एक ऐसा इलाका जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी पड़ती है, एक ऐसा समाज पड़ता है जो ऐतिहासिक तौर पर पिछड़ा है, उसके लिए क्लास तो दूर, क्लास की चार दीवारी मैसर नहीं है। ये बात आपको पता होगी कि मेवात की जो सबसे बड़ा पिछड़ापन है वो दरअसल वहाँ का शैक्षणिक पिछड़ापन है। और जब ये बात कही जाती है कि वहाँ यूनिवर्सिटी कायम किया जाए, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो तरक्की होती है, विकास का जो नारा लगाया जाता है, डेवलपमेंट का जो ढोंग रचा जाता है, वो दरअसल किसी लाइटिंग से, मॉल से, थिएटर से नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि विकास का सही पैमाना, डेवलपमेंट का सही मेयार, तरक्की का सही सूचक जो होता है वो ये होता है कि आप कितने लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, कितने लोगों को शिक्षा दी जा रही है, महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। लेकिन मेवात का ये इलाका बदकिस्मती से हमारे इस सूचक के मुताबिक
एक मेयर के मुताबिक बहुत ही घटिया स्थिति में है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई भी दुश्वारी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इस सरकार का रोना हो या इस सरकार की प्रॉब्लम हो। ये पहले की सरकारों ने भी सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है बैकवर्ड करने की और उनको पिछड़ा जो है घोषित करने की पूरी एक साजिश रची जा रही है। मेवात का इलाका दरअसल उससे जो है अछूता नहीं है। हमारी आज की जो मांग है वो यही है कि दरअसल किसी समाज की तरक्की, किसी समाज का विकास, किसी समाज का भविष्य वो शिक्षा पर निर्भर होता है। अगर शिक्षा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमारी मांग ये है कि मेवात में कुछ एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाएं, कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिए जाएं। कुछ प्रेस करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को उठने नहीं देते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते। अगर आप दीगर और चीज़ों में देखते हैं, जो हिंदी बेल्ट है नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, यहाँ पर जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज है वहाँ पर कोई इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है। बड़े बड़े स्कूल्स ये लोग बनाते हैं लेकिन उसमें टीचर नहीं है। अगर आपके मेवात में ही कुछ स्कूलों को अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पर गाय भैंस रहते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आते हैं। पढ़ने के लिए बच्चे इसीलिए नहीं आते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर टीचर पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। टीचर को रिक्रूट करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन्हीं मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर जो स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं वो टीचर्स को रिक्रूट करें। जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, छात्र अगर वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कैंपेन चलाए। ये जो सबका साथ सबका विकास ये जो नारे लगाते हैं वो पैसा वहाँ पर खर्च ना करें बल्कि वो यहाँ पर अवेयरनेस में खर्च करें ताकि बच्चे जो है स्कूलों में आए, पढ़े, अच्छे से जो है वो करें। गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की जिस तरीके से उनकी हालत है वो इनके इस बोर्ड को देखकर हमको महसूस होती है कि वो कितनी गिरी हुई गवर्नमेंट है। उनकी गवर्नमेंट की कोई ऐसी कदर हमको नहीं लगती है कि वो कोई अच्छे खासे लोग हैं, बल्कि वो जो है सिर्फ अपना अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपनी पर्टिकुलर गेम, पॉलिटिकल गेम्स के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो पैसा जहाँ पर भी लगा रहे हैं वो पैसा एजुकेशन में भी लगाएं। जो 6% GDP में लगाना है उनकी असेंबली बजट सेशन से, वो पैसा यहाँ पर लगाएं ताकि यहाँ पर मुस्तकबिल मेवात का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के बच्चों का मुस्तकबिल जो है बेहतर बन सके, ताकि जो हम इंडिया शाइनिंग का नारा देते हैं वो नारा भी हमारा पूरा हो जाए। इसी के साथ जो डिमांडें यहाँ पर पहले भी आ चुकी हैं, हम फिर यहाँ के अधिकारियों से मिलकर हम मेमोरेंडम भी देंगे और ये जो हमारा संघर्ष रहेगा वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये 2-3 साल से कंटिन्यूस चला हुआ आ रहा है, हम जब तक चलाएंगे तब तक जो है हमको हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने बंगाल में मुर्शिदाबाद में यूनिवर्सिटी की डिमांड की थी, वहाँ पर तकरीबन 4-5 साल तक कंटिन्यूस हमने स्ट्रगल की है। उसके बाद आज जो है वहाँ की गवर्नमेंट मजबूर हो गई है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी को अनाउंस करें। उसी तरीके से हम मेवात में भी स्कूल भी लेंगे, यूनिवर्सिटी भी लेंगे, कॉलेजेस भी लेंगे, हमारे डिमांड्स पूरे करके ही हम रहेंगे। इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ताल्लुक मेवात से ही है और मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जिसने अब की तो आप उसका इतिहास अगर उठा के देखें तो आपको धुंधला नज़र आएगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि अंग्रेज़ों का पसीने छूट जाते थे उनकी वजह से। उस ज़माने पे अंग्रेज़ दिल्ली में रहते थे तो अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। हमने इतिहास में वो झंडे गाड़े हैं जो हिंदुस्तान की कोई और कौम और कोई और कम्युनिटी नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे सिलेक्टिव और प्रोपेगेंडा के तहत मेवात को शिक्षा से इस तरह से वंचित किया गया है कि ये कम्युनिटी आज अपनी इस तरक्की के दौर में जो फंडामेंटल राइट्स हैं शिक्षा के, उसे भी प्राप्त नहीं कर पा रही है। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़िए, हमारे जो स्कूल हैं उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत लो है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और पूरी ढिटाई के साथ सरकार सोई हुई है। हम पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और इंशाल्लाह मैं यह वादा करता हूँ जमात इस्लामी हिंद हरियाणा हल्का जोन ये उम्मीद दिलाता है और हम ये वादा करते हैं कि अब तो ये हल्की सी तादाद है, अभी हमने अंगड़ाई ली है, इंशाल्लाह हम शिक्षा के मैदान में मेवात के जन जन को जागरूक करेंगे और इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ हरियाणा भवन की कमरों को गुंजा देंगे अपनी आवाज़। इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। अभी ये सिर्फ हम थोड़ा सा अभी सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत सभ्य अंदाज में ये बात अपने मांगे रख देना चाहते हैं
और उसे चाहते हैं कि वो हमारी मांगे मान ले। हमने मुनासिब समझा कि मांग मनवाने का कह के लिए कि घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाए। हम दरवाजे को ठोक रहे हैं लेकिन उधर कुंभकर्ण की नींद है। इंशाल्लाह आप लोगों ने अपने संघर्ष को बुनियादी तौर पर मेवात शिक्षा आंदोलन के नाम से आज हरियाणा भवन पर आने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें ये राइट देता है, शिक्षा जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि शिक्षा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है जिससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। आज समाज के अंदर सरकार खासकर मेवात में सेलेक्टिव करके, जैसे हमारे कई वक्ताओं ने अभी आपके सामने ये बयान रखा कि एक सेलेक्टिव इशू के तहत किस तरह से जो है मुसलमानों को पिछड़ापन का शिकार किया जाए, उसके तहत आज मेवात के लोगों के पास एक बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। ये क्यों? इसलिए कि आज एक समाज को पिछड़ापन करने के कारण समाज के अंदर जो है सेलेक्टिव माहौल न दे पाने के कारण जो है एक पिछड़ेपन का शिकार करने के लिए जा रही है। आज हम सरकार को यहाँ से बता देना चाहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को, कि हम अब समाज जाग चुका है, समाज सोने वाला नहीं है, समाज हमेशा जागता रहता है। वो आपको ये बता देता है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप देंगे नहीं देंगे तो हम लड़ कर लेंगे, चाहे हमको जैसे भी देना पड़े हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे हरियाणा भवन के सामने संघर्ष करना पड़े हो या मुख्यमंत्री कार्यालय घेरना पड़ा हो, हम सब घेरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है हम उसको लेकर रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमारा संविधान हमें कहता है कि शिक्षा से हमें कोई दूर नहीं रख सकता, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि हमारा आंदोलन आगे भी इसी तरह अग्रसर रहेगा। आज हमारे साथी यहां पर एकजुटता दिखाए हैं। हम ये बता देना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम, अगर सरकार हमें हमारा शिक्षा का अधिकार नहीं देती है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं देती है, हम इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और समाज को बदलने के लिए एक संघर्ष करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।